हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज है 29 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल के करंट अफेयर पढ़ा था उसका हम लोग शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में साओ जुआओ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो यह मनाया गया है गोवा में, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रा के प्रमुख के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, या किसे नियुक्त किया गया है, तो सामंत कुमार गोयल को, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया तपन कुमार डेका को, आप इन्हें भी याद रखिएगा। ये दोनों नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं ना कहीं जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने करंट अफेयर के नोट्स में, क्योंकि ऐसी नियुक्तियों से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक द्वारा पेश किया गया को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस रुपे क्रेडिट कार्ड, या किसके द्वारा पेश किया गया है, तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक के द्वारा पेश किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया है, तो यह किसके साथ भाग लिया है, तो मिस्र के साथ भाग लिया है, आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी, इस नियुक्ति को भी आप कहीं ना कहीं कॉपी में शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो यह अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, इसको हम लोग क्या कि रा का प्रमुख किसे बनाया गया, तो ये सामंत कुमार गोयल को ही बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से अगला है कि नीति आयोग का सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो ये किसे किया, तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है, आप इसे भी जानते हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है, तो यह किसने किया था, तो यह केरल सरकार ने किया था, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत 150वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत 142वें स्थान से 150वें स्थान पर चला गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर है, तो यह 104वें स्थान पर है, आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर का रिविजन। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर मैं जो PDF में देता हूँ, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इस टेलीग्राम से आप इसका PDF लेके, PDF निकलवा के इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। हालांकि मैं रिवीजन तो करवा ही रहा हूँ आपका साथ साथ में, लेकिन अगर आप लोग भी रिवीजन करते रहेंगे तो क्वेश्चन में, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में तुरंत आंसर क्लिक कर जाएगा, इतना रिवीजन कर डालिए अगर आप लोग, तो आपका आराम से सुपर टेट में 30 में से 25 क्वेश्चन, और अदर जैसे पेट का जो अभी नोटिफिकेशन आया है, पेट 2022 में 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, 10 नंबर का करंट अफेयर आता है, आप इसे याद रखिएगा। इसलिए करंट अफेयर आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, हमारे आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का किताब किसने जीता है, तो ये जीती है खुशी पटेल, आप इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। बात करें अगर, तो भारत से बाहर लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल के रूप में घोषित किया गया है। श्रुतिका माने सेकेंड रनरअप रही हैं और US की वैदेही डोंगरे फर्स्ट रनरअप चुना गया है। प्रतियोगिता में शीर्ष 12 प्रतियोगी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में के चैंपियन बने थे, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है, तो यह कौन बनी है, तो यह बनी है श्रेया लेखा, ठीक है। आप इन्हें याद रखिएगा कि श्रेया लेखा हाल ही में भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है, आप इन्हें भी याद रखिएगा।
उस ये श्रेया लेखा कहाँ की है? तो ओडिशा की रहने वाली श्रेया लेखा भारत से पहली के पॉप स्टार बन गई है। श्रेया का ब्लैक स्वान बैंड के लिए चयन यूट्यूब पर ऑडिशन देकर हुआ है। देखिए, यूट्यूब पर ये इन्होंने ऑडिशन देकर ये पहली के पॉप स्टार बन गई हैं। और श्रेया कई सारे के ड्रामा देखकर और ऑनलाइन कोरियाई भाषा सीखी हैं, यानी इन्होंने ऑनलाइन कोरियाई भाषा सीख के क्या बनी है, तो भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोनाल्डो सिंह। कौन बने हैं? तो रोनाल्डो सिंह बने हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा। और एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में चैंपियनशिप के अंतिम दिन स्प्रिट रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रोनाल्डो सिंह ने सीनियर डिवीजन में रजत पदक जीत लिया है। इस तरह से उन्होंने कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले साइक्लिस्ट बनकर इतिहास रच दिया है। और पहले स्थान पर कौन रहे? तो पहले स्थान पर जापान के केंटो यामासाकी रहे हैं। इनका नाम क्या है? तो केंटो यामासाकी। और ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। ये पहले स्थान पर हैं। और रोनाल्डो सिंह जो भारत के हैं, वह दूसरे स्थान पर रह के उन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी, कौन सा? तो जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो यह किसने किया है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। और किसके लिए किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना लाखों गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करती है। अम्मा से रिलेट कर सकते हैं कि ये माँ से कोई योजना होगी, माँ और उनके बच्चे से। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए। किस राज्य सरकार ने घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किसे किया गया? तो यह किया गया नितिन गुप्ता को। आप इसे भी याद रखिएगा कि नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कौन है और इसका CEO कौन है, आप इसे बताइएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। गुप्ता इनकम टैक्स कैडर के 1986 बैच के IRS ऑफिसर हैं और बोर्ड में मेंबर यानी इन्वेस्टिगेशन के रूप में कार्यरत है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य कौन से दो देश बने हैं? तो यह कौन बने हैं? टोगो और गैबोन। टोगो और गैबोन ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं जो हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं। यानी कि टोगो और गैबोन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में अब जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 56 हो गई है। ठीक है, और दो ऐतिहासिक रूप से फ्रांसीसी भाषी राष्ट्र, यानी ये जो देश हैं ये फ्रांसीसी भाषी राष्ट्र है, यानी इनमें क्या यहाँ पे क्या है कि फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। औपचारिक रूप से कॉमनवेल्थ सरकार के प्रमुख की बैठक में संघ में एंट्री कराया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागामे। नाम क्या है इनका? तो पाल कागामे ने की थी। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मैग्रो दलदल में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया? तो यह कहाँ खोजा गया है? तो यह खोजा गया है कैरेबियन मैग्रो दलदल में। यानी कि कैरेबियन मैग्रो दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया गया है। जबकि अधिकांश बैक्टीरिया छोटे होते हैं, यह इतना बड़ा है कि इसे नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। इसलिए आपकी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे भी याद रखिएगा।
दोस्तों जितने भी मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप उसको कहीं ना कहीं ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। पीडीएफ ठीक है, पीडीएफ आपको मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन पीडीएफ आप डेली पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अपनी कॉपी आप डेली खोल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाइए, कम से कम जो इम्पॉर्टेंट आप लोग को लगता है, पूरे क्वेश्चन का नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं शॉर्ट में लिख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम है इनका? तो लिसा स्टालेकर, इनका नाम है लिसा स्टालेकर, यानी महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। ये कहाँ की हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं, यानी महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को कार्यकारी समिति की बैठक में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि FICA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। लिसा FICA की पहले ही महिला अध्यक्ष है, इसलिए ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जा सकता है, क्योंकि यह लिसा स्टालेकर जो हैं यह FICA की पहली महिला अध्यक्ष है, और लिसा ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 2013 में वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। तो आप इसे याद रखिएगा, 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है, और इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। आप इसे भी याद रखिए, चीन की एक योजना है ना कि वन बेल्ट रोड पहल, ये क्या है कि भाई इसके द्वारा जो चीन है वो ये चाहता है कि पूरे विश्व को हम एक रोड के थ्रू कनेक्ट कर दें, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि हमारा निर्यात जो है बढ़ सके। उसी को चैलेंज करने के लिए G7 समूह द्वारा 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो यह कौन बना है? तो यह बना है राजस्थान। ठीक, राजस्थान जो राज्य है वह झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है, यानी कि पहले कौन पे है? झारखंड है। दूसरे पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। और तीसरे पे स्थान पे कौन है? तो राजस्थान है, जहाँ पे यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं जनवरी से लेकर जून तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी रिवीजन में क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें जरूर आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो यह किसे दिया गया है? मिताली राज को। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है? तो यह किसने जीता है? इंडोनेशिया को। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल अवार्ड जीता है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह बने रविचंद्रन अश्विन, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। ये याद रखिएगा कि तो पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम क्या है, कदम है, यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला जैविक ईंट आधारित भवन निर्माण किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है?
तो यह आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है, यह किसके द्वारा लॉन्च की गई, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे और किस आईआईटी संस्थान ने मिलकर भारत के पहले हाइपर लूप विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो यह किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणालियों के रख रखाव के संबंध में किस आईआईटी के साथ समझौता किया है, तो यह भी किया है आईआईटी मद्रास के साथ, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार वाहन देश बना है, तो यह किसको पछाड़कर बना है, जर्मनी को पछाड़कर बना है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये जो रिवीजन की क्लास है जो दोस्तों जो लास्ट में जो मैं आपसे रिवीजन करा रहा हूँ, इसको आप जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहिएगा। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, तो यह दिया गया है ब्राजील के, ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है, तो यह बना है सांबा, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, तो यह किया गया है जयपुर में, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें हमने कल के करंट अफेयर को रिवीजन किया, उसके बाद से आज के करंट अफेयर को देखा, उसके बाद से हम लोग जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।